हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो पीजीसीआईएल के अंदर जो वैकेंसी आई है आईटीआई वालों के लिए, उसका फॉर्म किस तरीके से भरते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रोम के अंदर। तो क्रोम ब्राउजर में जाके हम यहाँ सर्च के अंदर सर्च करेंगे पीजीसीआईएल सर्च करेंगे और हम यहाँ पे एंटर मार देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो जो पीजीसीआईएल का जो ऑफिशियल जो यहाँ पे साइट है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो आप पावर ग्रिड के नाम से जो ये हमारे पास डेस्कटॉप खुला है, ये हमारी ओरिजिनल साइट है इसकी। तो इसमें हम जाएंगे सबसे पहले कैरियर्स के अंदर, और कैरियर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम ओपनिंग्स के अंदर। तो जैसे हम ओपनिंग्स के अंदर आएंगे तो जो हमारी वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी का जो नेम है वो यहाँ पे वो वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन साइट पर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैंडिडेट लॉगिन। तो यहाँ पे हम लॉगिन, अगर आप पहले से आईडी बना रखे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से डालकर और यहाँ पे कैप्चा डालकर ओटीपी पे क्लिक करके लॉगिन हो जाओगे। या अगर आप नई रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना चाहते हो तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे आपके पास ईमेल और री ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप वो ईमेल आईडी डालोगे जिसको आप एक्चुअली हर फॉर्म में फिलअप करते हो, और दूसरे यहाँ पे आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी दिख रही होगी, उसमें आप वो ईमेल आईडी डालोगे जो आपके किसी अदर फोन में लॉगिन हो रखी है, ताकि पावर ग्रिड की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा वो आपको उस पर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो किसी अदर फोन में लॉगिन हो, और यहाँ पे आप कैप्चा डालकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फ्रेंड, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद में वापस से ये डेस्कटॉप खुल के आ जाएगा आपके पास कैंडिडेट लॉगिन का। इसमें आप जिस भी नंबर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो नंबर या वो जो फर्स्ट ईमेल आईडी आपने डाली थी वो यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पे कैप्चा डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये जो यहाँ पे ब्लरिंग है वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए की है। और यहाँ पे हम लॉगिन ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे फोन में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम डालेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हमारे पास फॉर्मेट खुल के आ गया जो हमारी प्रोफाइल का फॉर्मेट है, और यहाँ पे आपको साइड में आपकी पर्सनल डिटेल्स मिल जाएगी जो भी आपने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर फिलअप किया। यहाँ पे आपको साइड में एक व्हाइट कलर का बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर आपको अपनी जो फोटो है वो अपलोड करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फोटो है वो आपको 50 KB से कम की ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप चूज पे क्लिक करके और यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी फोटो सेव है वो फोटो सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आपको ऊपर जो आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर भरा हुआ है जो भी आपने फोन नंबर ईमेल आईडी वो ऑलरेडी यहाँ पे टाइप होकर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम जो भी है 10th की मार्कशीट के अंदर जो है फ्रेंड्स वही डालना है। उसके बाद में यहाँ पे गार्जियन के अंदर आपको दिख जाएगा आपका फादर या हस्बैंड, आप किसी की मतलब आप वाइफ हो तो आप अपना हस्बैंड सेलेक्ट करिए या फिर आप अपना फादर सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे आपका फादर नेम और साइड में आपका मदर नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है फ्रेंड। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो जेंडर है मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी दिख जाएगा फ्रेंड्स कि आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है जैन सिख जो है फ्रेंड्स वो सेलेक्ट करें। अगर आपका इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करें। उसके बाद में यहाँ पे कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नेशनलिटी के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको डोमेशियल स्टेट जो है आपका स्टेट कौन सा है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इस RIOT विक्टम के यहाँ पे करके ये ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें है कि आप पे किसी तरह का केस तो नहीं हो रहा है, तो अगर हो रखा है तो यस करें, नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे नो करें और आगे बढ़े। मैरिटल स्टेटस के अंदर आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है फ्रेंड्स वो सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो ग्रीन कलर का एड, उस पर क्लिक करें तो ये आपकी जो ये जो आपने डिटेल भरी है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी जो एड्रेस वगैरह है उसको भरने के लिए यहाँ पे आप फिल मेलिंग डिटेल्स के अंदर जाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पर फ्रेंड्स हम हमारे एड्रेस पर आ जाएंगे। एड्रेस में आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मेलिंग एड्रेस आ रहा है और नीचे आपका परमानेंट एड्रेस आ रहा है। तो मेलिंग एड्रेस में वो एड्रेस भरेंगे फ्रेंड्स जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आप रह रहे हो, या फिर आप जैसे कोई स्टूडेंट हो रेंट से कहीं रह रहे हो तो आप वहाँ का एड्रेस भरेंगे। उसके अलावा नीचे परमानेंट एड्रेस के अंदर आप वो एड्रेस भरेंगे जहाँ पर आपका ओरिजिनल एड्रेस है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो। अगर आप सेम एड्रेस दोनों में है तो यहाँ पे एक ऊपर जो एड्रेस है मेलिंग एड्रेस वो भर के यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है उसको क्लिक करोगे तो सेम एड्रेस यहाँ पे नीचे भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स आप एड पे क्लिक करोगे तो जो आपने एड्रेस दिया है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे रेड कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा है फिल अकाउंट डिटेल्स। फ्रेंड्स ये वो डिटेल्स है जिसके अंदर आपको जैसे कि आप एग्जाम देने कहीं और जा रहे हैं तो ट्रेन से आप आ रहे जा रहे हो तो आपको वहाँ पे TA अनाउंसमेंट वो मिलेगा। तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा फ्रेंड्स वो बाकी बात है, तो हम हमारी तरफ से डिटेल्स तो वो भर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट होल्डर नेम है वो डाल देना है, बैंक नेम डाल देना है या ब्रांच नेम डाल देना है, ब्रांच सिटी डाल देना कौन सी सिटी के अंदर आपकी ब्रांच है, अकाउंट नंबर आपका जो जिस खाते में आपके पैसे आएंगे वो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपको पासबुक में आपको दिख जाएगा यहाँ पे IFSC कोड वो आपको यहाँ पे डाल के और यहाँ पे एड पे क्लिक कर देना है। जैसे एड पे क्लिक करोगे आपकी ये डिटेल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे फिल पावर ग्रिड से रिलेटिव डिटेल्स। तो फ्रेंड्स इसके अंदर वो डिटेल्स देनी है जैसे मान लो आपके पापा मम्मी बड़ा भाई जो भी आपके नजदीकी आपका फैमिली मेंबर इस जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहा है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। एड न्यू पे करके आप उसकी यहाँ पे डिटेल्स भर सकते हो, नेम रिलेटिव जो भी है यहाँ पे वो भर सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो डिटेल भरने के बाद में आप यहाँ पे एड पे दिख रहा है एड पे क्लिक करेंगे तो वो जो डिटेल्स है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे ही आप ये चीज अपलोड करते हो उसके बाद में आपको होम पे चले जाना है, आपकी वो सारी डिटेल्स सबमिट हो जाएगी। वापस वहीं उसी डेस्कटॉप पे आ जाओगे जहाँ पे आपकी प्रोफाइल स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे आपको एक नया जो आपको नया ऑप्शन देखने को मिल गया होगा फ्रेंड्स रेड कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको
आपको बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी जो कि अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग वैकेंसीज है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है फ्रेंड्स, आप जिस जोन में फॉर्म भरना चाहते हो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ कंपनी नेम पे सर्च सर्च कर सकते हो, या फिर जो जोन अगर आपको पता है जैसे एनआर फर्स्ट के अंदर भरना चाहते हो, सेकंड में, थर्ड में भरना चाहते हो, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। एनआर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है तो आप जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये जोन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। एनआर फर्स्ट के अंदर दिल्ली राजस्थान ये जो स्टेट्स है फ्रेंड्स उसके अंदर फर्स्ट जोन है, जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जोन बनाए हुए फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो मेन बात है वो ये है कि अगर आप एक बार जो जोन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप उसी जोन में काम करेंगे, आपको ना आपका ट्रांसफर होगा फ्रेंड, ना कभी आप इस जोन को चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे आप सोच समझ के ही जोन सेलेक्ट करना है फ्रेंड। जैसे आप अपने यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करोगे जिस जोन में आपको उस जोन की वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक न्यू डेस्कटॉप ओपन होकर आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपको वो डिटेल्स बताई जा रही है फ्रेंड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे सबमिट करने हैं उनकी साइज आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे जेपीजी में करना है, पीडीएफ में करना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जो फाइल्स है वो पीडीएफ के अंदर ही डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स भरी हुई फ्रेंड्स दिख जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैटेगरी चेक सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। आप एक सर्विसमैन हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे पापा मम्मी कोई भी जो भी है डिफेंस के अंदर है तो यहाँ पे आप यस करें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद में आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने को मिला है इंटरनल एम्प्लॉयमेंट, अगर आप पावर ग्रिड के एम्प्लॉयमेंट है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़े। यहाँ पे आप पीडब्ल्यूडी से हो तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़े फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो बॉक्स है फ्रेंड्स ये डिपेंडेंट है ये पीडब्ल्यूडी पे, अगर आप इसमें होंगे तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स भी ऑन होकर दिख जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये डिटेल्स भरने के बाद जैसे आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये जो डिटेल्स है वो अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद में आपको यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे करके आप यहाँ पे एड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको डालनी है। यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन है फर्स्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन टाइप यहाँ पे आपको 2 ईयर का आईटीआई करी है वो डालना है, इलेक्ट्रिशियन से इलेक्ट्रिशियन डालना है। उसके बाद में आपको फुल टाइम किए पार्ट टाइम किए वो जो आपको वो डालना है। यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज डालनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको डिवीजन डालना है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, जो है डिवीजन है वो डालना है। यहाँ पे आपने कब आईटीआई कब की थी वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, कब यहाँ पे आपकी आईटीआई खत्म हुई थी आपको वो डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपकी जो मार्कशीट है फ्रेंड्स जो वो रिजल्ट है वो कब आया था वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में आप कौन सी यूनिवर्सिटी से वो आपको यहाँ पे डाल देना है और इंस्टीट्यूट कौन सा फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे डाल के और एड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपके एड पर क्लिक करोगे आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे चलना है आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स के अंदर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फ्रेंड तो आप यहाँ पे ऐड करके आप अपना एक्सपीरियंस डालें, अन्यथा यहाँ पे आप आगे बढ़ के जो सेकंड ऑप्शन है अदर एक्जेक्टली डिटेल्स के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी एग्जाम सेंटर डिटेल्स देंगे कि आप फर्स्ट चॉइस कौन से सेंटर लेना चाहते हो, तो फर्स्ट यहाँ पे चॉइस करके आप जो जिस भी जोन में भरे हो उस जोन के यहाँ पे आपको स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है वो देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स एम्प्लॉय एक्सचेंज का यहाँ पे एक कार्ड बनता है फ्रेंड्स, अगर वो आपका वो कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, उसकी डिटेल्स यहाँ पे देंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे और यहाँ पे यहाँ पे आपको सबमिट डिटेल्स है उस पर क्लिक कर देना ताकि आपकी जो डिटेल्स है वो सबमिट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पे अदर कैंडिडेट डिटेल्स जो भी डिटेल्स है वो डालेंगे। यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी है फ्रेंड्स तो यस है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप किसी भी दंगे फसाद के अंदर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है फ्रेंड्स तो इस पे यस करेंगे, अगर नहीं कराए तो यहाँ पे आप नो करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, अगर आपका कोई केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर तो यहाँ पे यस करें, नहीं है तो नो करें। फोर्थ ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, अगर किसी कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से आपको रेस्टिकेट किया है किसी तरह का आपका केस है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स आपको आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गई। उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे आपकी फोटो जो जेपीजी के अंदर मांगी गई है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। आपकी यहाँ पे आईटीआई के अंदर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, आपके यहाँ पे जो आईटीआई की मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका जो कार्ड है वो यहाँ पे आप अपलोड करें, अन्यथा यहाँ पे इसको छोड़कर और ये डिटेल्स है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट करें। उसके बाद में फ्रेंड्स हम चलेंगे यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे, यहाँ से जैसे आप डिटेल्स भर जाएगी, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी डिटेल्स भर जाएगी आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करके मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रेड कलर में एक चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले फ्रेंड्स आप अपने यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रीव्यू भी देख सकते हो, तो जैसे आप एप्लीकेशन प्रीव्यू पे जाओगे आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे आप वापस बैक आ जाओगे और यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, जैसे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे यहाँ पे आपको चेकबॉक्स दिख जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप इसको आप अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई चेंजमेंट करना है तो आप वापस से इसको एक बार देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था, इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।